फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बावजूद हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम इस फिल्म को जमकर प्रमोट कर रही है और रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम को स्पॉट किया गया इस फिल्म से जुड़े एक गेम को लॉन्च करते हुए। यहां फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान फिल्म को मिले रिस्पॉन्स से काफी खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने बताया कैसे अब तक उनकी टीम ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाई है। मौका नहीं मिला, मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर हम जब फिल्म रिलीज हुई तो सब एक दो लोग दिवाली के लिए घर चले गए। आई थिंक वी वर सो टायर्ड दैट एवरीवन जस्ट वेंट होम एंड स्लेप्ट। दीपिका इज नॉट इन टाउन, सो क्या है कि हम सोच रहे हैं वो एक दिन मिले। मोर देन सेलिब्रेशन और मेकिंग इट अ थिंग कि पिक्चर इतनी चल गई है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली बिलीव एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव कि हमने जो मेहनत की है उसमें कुछ अच्छाई है और वो अच्छाई अब आ रही है सामने के लोगों को, अच्छी लग रही है, दैट्स द मेन थिंग। बट मेरी कोशिश ये है कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो कि मैं साथ में बैठ सकूँ, हम सब साथ में बैठ के खाना वाना खाएं, बातचीत करें। वी एक्चुअली हैवंट सैट टुगेदर येट पोस्ट द रिलीज एंड डिस्कस्ड कि पता है मेरी आंटी ने ये कहा, पता है वहाँ से ये बात है, आई टेल यू दैट सीन, तो कैसे लोग ताली। मैंने तो एक्चुअली पूरी फिल्म एट अ गो नहीं देखी अभी तक, सो वी रियली वुड लाइक टू सिट डाउन एंड जस्ट हाउ डू यू से पर्सनली जस्ट होल्ड हैंड्स एंड फील हैप्पी कि हमने फिल्म बनाई पर्सनली बेटा, मीडिया के सामने नहीं। वैसे शाहरुख खान ने इस इवेंट पर भी फराह खान की खिंचाई का मौका नहीं छोड़ा। स्लोली स्लोली 30 मार्च का सब भूल रहे हैं। वेल फराह, शाहरुख और हैप्पी न्यू ईयर की टीम इस फिल्म के सक्सेस से काफी खुश है और वो अपनी ऑडियंसेस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। फॉर सलमा खान, जूम मुंबई।